मैं डॉक्टर विपिन मणिपाल हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज मौसम की कुछ बीमारियों में जो गर्मी और मानसून में कॉमन होती हैं उसके बारे में अपन कुछ बात करें। उल्टी दस्त या गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो गर्मी के अंदर मानसून के अंदर बहुत कॉमन होती हैं, जिसके अंदर ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस बेसिकली खान पान में इन्फेक्शन हो जाए, खान पान में कीटाणु आ जाए, उसकी वजह से कॉमनेस्ट होती हैं, डिजीज़ होती हैं। पेट की जनित गैस्ट्रोएंटेराइटिस बीमारी 90% जो है पानी वगैरह की कॉन्टामिनेशन होने से, फूड के कॉन्टामिनेशन होने से होती हैं। बरसात के अंदर, गर्मी के अंदर, चूँकि गर्मी में चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। बरसात के अंदर जब मानसून सीज़न में जब बरसात का पानी कुछ खाने पीने के पानी से नल पीने के पानी से मिक्स होता है या सब्जियों के अंदर गंदगी से मिक्स होता है तो उससे जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस की बीमारी बहुत कॉमन हो जाती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस और भी कारण होते हैं, जैसे बैक्टीरियल है, वायरल है, उससे भी होती हैं, पर अधिकतर जो है खाद्य जनित बीमारियाँ कहलाती हैं। इसके अंदर उल्टी दस्त होना, पेट में दर्द होना, कई बार जो है दस्त इतने ज़्यादा होते हैं कि पानी की कमी हो जाती है। दूसरा, कई बार इन्फेक्शन इतना सीवियर होता है कि आंतों के अंदर घाव हो करके उसमें दस्तों में खून आने लग जाता है, जिसको हम डिसेंट्री कहते हैं। तो ये सब जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस बीमारी है बच्चों में ज़्यादा घातक होती है, चूँकि उनके अंदर पानी की मात्रा कम होती है और दस्तों में जितना पानी निकलता है तो वो उनको बहुत जल्दी डिहाइड्रेट कर देता है। बड़ों में चूंकि पानी की मात्रा ठीक होती है तो डिहाइड्रेशन थोड़ा सा डिले होता है। अगर डिहाइड्रेशन को प्रॉपरली मैनेज न किया गया तो ये डिहाइड्रेशन आपको किडनी फेलियर की स्थिति में ले जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के अंदर भी डिहाइड्रेशन को अर्लीस्ट पहचाना जाए और उसका इलाज किया जाए। गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है उसकी वजह से किडनी फेलियर को रोकने के लिए पानी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। पेशेंट को जैसे ही उल्टी दस्त होते हैं तो उसको जो है तुरंत नियर बाई हॉस्पिटल में जाकर के दिखाना चाहिए। घर के अंदर जैसे अगर उल्टी दस्त चालू हुए हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको जो है इलेक्ट्रोल पाउडर का घोल लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, उल्टी वगैरह की छोटी जो सिंपल मेडिसिन हैं उसका यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रोल पाउडर को बनाने का तरीका एक बिल्कुल साइंटिफिक वे होता है, एक पैकेट को 1 लीटर पानी में घोल करके आपको पीना है। दूसरा जो है आपको उसके साथ में राइस वाटर है, बनानाज हैं, छाछ है, नींबू की शिकंजी है, इस तरह का प्राथमिक उपचार करना चाहिए। अगर उसके बाद में भी नहीं रुकते हैं तो आपको नियर बाई अस्पताल में जाना चाहिए। बेसिलरी डिसेंट्री, अगर कोई डिसेंट्री वगैरह हुई है, बड़ों में अगर दस्त उल्टी दस्त हुए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। प्राथमिक उपचार लेने के बाद में अस्पताल में जाएं, वहाँ पर आपको इंट्रावीनस फ्लूइड वगैरह दिया जाए जिससे आपका डायरिया कंट्रोल हो सके। यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले बीमारी, अपने आप ठीक होती हैं, 3 से 5 दिन लगते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रॉपरली रिहाइड्रेशन, पानी की मात्रा की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल पहुंचने में अगर मान लो इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, एडल्ट डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिक्स वगैरह के मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, वो अपना प्रॉपरली उसका डायग्नोसिस करें कि कारण क्या है और उसका ट्रीटमेंट करें। कुछ जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अंदर कुछ ऐसे ईकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो आंतों के अंदर इन्फेक्शन करता है और उस आंतों में इन्फेक्शन से किडनी फेलियर और खून का पानी बनना हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हिमोलिटिक यूरिनिक सिंड्रोम। वो एक बहुत ही खतरनाक स्टेट होती है, उससे बचाव बहुत ज़रूरी है, तुरंत पहचान की जाए और उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बचाव के क्या क्या साधन हो सकते हैं गैस्ट्रो, एक तो आप कॉन्टामिनेटेड फूड से बचें, बाहर की चीज़ों को खाने से बचें, जो भी फल सब्ज़ी लाए हैं उसको बहुत अच्छे से वॉश करें, यूज़ करें, उसके बाद खाएं, अपने हाथों का जो है प्रॉपर क्लीनिंग रखें, नाखून जो है छोटे रखें जिससे आपका इन्फेक्शन के चांसेस और भी कम रहें। तो ये जो साधारण उपाय हैं जिनसे करने से हम जो है एक घातक और सीरियस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस मानसून सीज़न में गर्मी के अंदर बहुत कॉमन बीमारियां हैं, बचाव ही इसका इलाज है, ORS का घोल जीवनदायी होता है। तो ये था
गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बचाव और प्राथमिक उपचार कैसे बचें, ये जैसा मैंने आपको बताया। थैंक यू।